रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए रानी से जब उनके पहले क्रश को लेकर सवाल किया गया तो वो चौंक गई। रानी मुखर्जी मुंबई में अपनी फिल्म हिचकी से जुड़े एक कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब होते हुए उस समय चौंक गई जब उनसे उनके पहले क्रश के बारे में सवाल पूछा गया। हालांकि रानी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा कि मेरे बहुत सारे क्रश रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप किस क्रश के बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद उनसे पहले क्रश को लेकर सवाल किया गया तो वो सोच में पड़ गई। रानी कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा पहला क्रश कौन है। मुझे लगता है हमें इस सवाल को यहीं छोड़ देना चाहिए। इस मौके पर रानी मुखर्जी ने उनकी आने वाली फिल्म हिचकी में उनकी भूमिका के बारे में बताया। रानी मुखर्जी ने कहा, मैं फिल्म में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र की अध्यापिका हूँ, तो मैं इस फिल्म में सभी विषय पढ़ा रही हूँ। गौरतलब है कि रानी मुखर्जी हिचकी के माध्यम से फिल्मों में कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म में वह एक स्कूल टीचर की भूमिका निभा रही हैं जो कि हकलाती हैं, और उन्हें ऐसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है जो शिक्षा के अधिकार के चलते बड़े स्कूल में दाखिला पा जाते हैं, लेकिन वह गरीब घर से होते हैं। फिल्म हिचकी का निर्देशन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया है, जो कि 23 फरवरी को रिलीज़ होगी।